पहले जिस विधवा महिला को नगरपालिका के हमले ने मुआवजा दिया था, उसी मुआवजे की रकम को वापस लेने हमला पुलिस के जरिए महिला को डरा धमकाकर उठवा लेने की धमकी दे रहा है। हैरत की बात तो यह है कि जब महिला से रकम वापस लेनी ही थी तो उसके खाते में 30,000 रुपए आखिर क्यों डाले गए? सवाल का जवाब महिला को नहीं दिया जा रहा। रोजाना घर पहुंच रहे पुलिस वालों से मिल रही धमकियों से विधवा महिला और उसकी बेटी बेहद डरी सहमी हुई है। महिला चंपाबाई लोगों के घरों में झूठन साफ कर अपनी और अपनी बेटी का गुजारा करती है। पिछले साल ब्रेन हेमरेज के कारण उसके पति कमल सिंह का निधन हो गया था। इसके बाद उसके खाते में 30,000 रुपए की रकम नगर पालिका की तरफ से भेजी गई थी। बाद में महिला ने इस राशि का भुगतान भी प्राप्त कर लिया। महिला के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब 3 पुलिसकर्मी 30,000 रुपए की राशि का हवाला देकर उसके घर तक तकादा करने पहुंच गए। महिला ने लाख मिन्नतें की लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। अब इस मामले में गरीब महिला ने कलेक्टर से गुहार लगाकर इस झमेले से बचाने की गुहार लगाई है। पिछले साल अगस्त महीना में मतलब मेरे पैसे आए थे, मेरे पति शांत हो गए थे, तो मेरे को ये मालूम नहीं था कि बढ़ के पैसा डाले क्या डाले मैंने। तो मैंने किसी का चोरी तो करी नहीं, अपराध करी नहीं, मैं और मेरी लड़की दोनों साथ में हैं सर। तो मैं बर्तन मांजने जाती हूँ, काम करती हूँ, झाड़ू पोंछा काम करती हूँ, मेरे को कोई पता नहीं, कोई चोरी नहीं करी सर। फिर क्या हुआ मेरे पर लेके? अभी उससे और आगे मेरे को बात बताते तो मैं मतलब कुछ मेरे दिमाग में आती। 9 महीना पीछे मेरे को अचानक आके नहीं आके मेरे से बोले कि वो पिछले महीना पैसे डाले थे तो भी पैसे हमारे गलती से डर गए थे। तो मैं कोई लेने तो गई थी नहीं सर, हाँ ना मैंने किसी से चोरी नहीं करी, कोई नहीं, मैं जे जानी। और क्या बोले फिर वो? मेरे से जिया बोले कि कहीं भी आप मिलोगी तो हम उठा ले जाएंगे कहीं। कौन लोग थे वे? 3 लोग थे सर। कौन थे? पुलिस वाले जैसे थे, आते नहीं और मेरे को धमकी दी कि जहाँ भी मिलोगी जहाँ भी उठा ले जाएंगे आपको कहीं। नहीं मैंने कोई चोरी नहीं। कब का बोला पैसा देने का उनने? आपको पैसे देना पड़ेगी। कब तक देना है? मेरे से पैसे कहाँ से करूँगी सर मैं, बताओ। मेरी लड़की साथ में थी, मैं तो मजदूरी करती हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन मांजने जाती हूँ मैं तो। क्या नाम है आपका? चंपा भाई। पैसे कब तक बोला आपको जमा करने की? मेरे से जी बोली आज 5 बजे मतलब नगर पालिका 30,000 लेके आ जाना, नहीं तो रात को आके आपको पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, जे बोली मेरे को। तो इनने जब से क्यों नहीं बोली मेरे से? जब से बोलना थी पिछले साल पैसे डाले थे, जब से बोलना थी, जब से नहीं बोली आके नहीं, अचानक एकदम मेरे को धौंस देने लगे उल्टी सीधी। आपको क्या, आपको नहीं समझ आया कि पैसा कैसे आया जे? आपको मेरे को समझ नहीं आया, मेरे पति शांत हो गए थे ना, मैंने जी जानी कि पैसे कहीं बढ़ के डाले होंगे इसलिए सर। क्या नाम था पति का? कमल सिंह कुशवाहा। मृत्यु कैसे हुई थी उनकी? मृत्यु हुई थी जी दिमाग की नस फट गई।